देश में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान स्वच्छता की एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत संगम नगरी प्रयागराज से होगी। अभियान का लक्ष्य 75 लाख किलोग्राम कचरे का 31 अक्टूबर तक निस्तारण करना होगा और राष्ट्रव्यापी आयोजन की शुरुआत संगम नगरी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चार गंगा तटों से की। नेहरू युवा केंद्र के कार्यकारी निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण कुमार ने बताया कि कार्यक्रम पूरे महीने चलेगा। हर जगह अलग अलग टीम काम करेगी। इसमें हर दिन हर क्षेत्र में नए लोगों को जोड़कर स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 75 लाख किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक का 31 अक्टूबर तक निस्तारण करना अभियान का लक्ष्य रखा गया है। जहाँ से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत भी हुई हो, 1857 से लेकर 1947 तक के दौर में जहाँ से अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने का काम भी किया हो, वहीं पर आज गंदगी मुक्त भारत करने के लिए, स्वच्छता अभियान चलाने के लिए और देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान आज यहाँ से शुरुआत की जा रही है संगम नगर से। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ देश के युवाओं से, देश की जनता से, कि आइए अपने अपने क्षेत्र को हम साफ रखें, आगे बढ़ें, साथ में जुड़ें, समाज को जागरूक करें और स्वच्छता अभियान में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जुड़ें, अपने स्थानीय क्षेत्र को साफ रखें। केवल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ही अपनी ओर से देश भर के सभी राज्यों के सभी गाँवों तक पहुँचने का प्रयास कर रहा है, स्थानीय सरकारों से, स्थानीय चुने प्रतिनिधियों के माध्यम से, स्थानीय संस्थाओं को साथ में जोड़कर 75 लाख किलो से ज़्यादा कूड़ा जो है वो देश भर से एकत्रित करके सफाई की जाएगी। 75 लाख किलो प्लास्टिक से ज़्यादा बाकी भी जो कूड़ा है उसको साफ करके एक और क्षेत्र को साफ किया जाएगा, तो सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान भी देश और दुनिया का शुरू किया जाएगा। सर बस एक लास्ट, सर प्रियंका गांधी अब लखनऊ में ही रहेंगे, कितना चुनौती मानती है सर बीजेपी इनको? पहले भी रहती रहें, अब भी रहेंगी, आगे भी रहें, फर्क नहीं पड़ता। देश जानता है अब तो कितना फर्क।